हेलो एवरीवन, आप सभी आंगनवाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं का एक इन्फॉर्मेटिव और एक यूजफुल वीडियो पर फिर से स्वागत है। आप सभी को मालूम है कि 2 महीने से ज्यादा समय तक हड़ताल चला है, अक्टूबर का पूरा महीना, नवंबर का पूरा महीना और दिसंबर के शुरुआत में कहीं कहीं जो है वो हड़ताल तोड़ दिया गया, लेकिन 9 दिसंबर से पूरे बिहार में हड़ताल तोड़ने का संघ की ओर से निर्देश प्राप्त हो चुका था, यानी कि 9 दिसंबर से सभी जगह आंगनवाड़ी केंद्र निश्चित रूप से खुल गए हैं। इसके बाद बहुत सारे लोगों का कमेंट लगातार आने लगे कि फिलहाल जो है सितंबर महीने का मानदेय कब तक आएगा, क्योंकि कम से कम सितंबर महीने में लगभग सभी जगह पर सेविकाओं ने 28 सितंबर तक यानी 28 दिन तक काम किया हुआ है, क्योंकि अगस्त का मानदेय आए हुए लगभग 1.5 महीने के आसपास हो चुका है, दीपावली का पहले ही मानदेय आया हुआ था। उसके बाद जो है अभी जो है सितंबर महीने का मानदेय नहीं आया हुआ है, जबकि अक्टूबर का महीना बीत गया, नवंबर का महीना बीत गया और दिसंबर का आधा महीना आ चुका है। तो आखिर सितंबर का मानदेय कब तक आएगा, बिहार में इसका क्या स्टेटस है और अक्टूबर का जो मानदेय है वो आएगा या नहीं आएगा, इसके बारे में शुरू में ही आपको बता दूं कि अक्टूबर का मानदेय नहीं मिलेगा। अगर आप स्टेटस चेक करेंगे लिखा रहेगा सैलरी जनरेटेड विथ 0 अमाउंट। तो ये पूरा चक्कर क्या है, कम से कम सितंबर महीने का मानदेय अब तक आ जाना चाहिए, क्योंकि अक्टूबर नवंबर 2 महीने 2.5 महीने लेट हो चुके हैं। चलिए आपको दिखाते हैं फिलहाल किस प्रकार का स्टेटस है। आपको वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कोई क्वेश्चन कमेंट और नीचे लिख सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मानदेय का लेटेस्ट अपडेट देने के लिए मैं आप सभी को आंगन मानदेय के ऑफिशियल वेबसाइट पर वित्तीय वर्ष 2023-24 जो फिलहाल चल रहा है और लेटेस्ट जो महीना फिलहाल जिसके मानदेय के बारे में पिछले 10 दिनों से मेरे व्हाट्सएप पर और साथ में वीडियोस के नीचे कमेंट आ रहे हैं कि आखिर सितंबर महीने का मानदेय कब मिलेगा और कितने दिनों का मिलेगा, क्योंकि आप सभी को मालूम है और आप लोग लेटेस्ट यहां पर देख पा रहे हैं कि अगस्त महीने का जो मानदेय है वो अक्टूबर महीने में 20 तारीख के आसपास जो है वो भेजा गया है, यानी अगस्त का मानदेय अक्टूबर में भेजा गया है, 2 महीना लेट से यहीं पैसे भेजा गया है। इसके बाद जो है सितंबर महीने में काम करने के बाद जो 29 सितंबर से लगभग सभी जिलों में हड़ताल शुरू हो गया था, और बात करें अक्टूबर का महीना तो अक्टूबर के महीने में तो कहीं भी काम नहीं हुआ किसी जिले में, और नवंबर के महीने में भी कुछ जिलों में काम नहीं हुआ, कुछ जिलों में हुआ है, तो उसके हिसाब किताब अलग होगा। बाकी बात करें कि अभी जो लेटेस्ट मानदेय आएगा, जी हाँ अभी लेटेस्ट जो मानदेय आएगा वो सितंबर महीने का होगा, तो सितंबर महीने का मानदेय जो है वो कितना आएगा और कब तक आएगा इसके बारे में आपको क्लियरली जानकारी यहाँ पर देखने को मिलेगी। मैं उम्मीद करूँगा कि जैसे आप लोग पहले वीडियो देखने के बाद लाइक करते थे, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप सबसे लास्ट वाला पेमेंट देखिए, अगस्त महीने का, अगस्त 2023 का, सबको जो है वो अक्टूबर के 15-20 तारीख के आसपास जो है वो यूटीआर नंबर जनरेट हुआ था, शायद दशहरा के पहले ये आसपास मिला हुआ था। उसके बाद अभी सितंबर का महीना निकल चुका है और साथ में जो है अक्टूबर का महीना निकल चुका है और नवंबर का महीना निकल चुका है, अब दिसंबर आ चुका है। तो अभी लेटेस्ट जो है आपको सितंबर महीने के मानदेय के बारे में सोचना है, क्योंकि अक्टूबर का मानदेय नहीं मिलेगा। आप लोग अपने मोबाइल में अपने केंद्र का, अपना आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का स्टेटस चेक कर रहे होंगे, आप लोग हड़ताल में थे अक्टूबर का पूरा महीना, तो यहाँ पर तो आपको एब्सेंटी वेरीफाइड दिखाएगा अक्टूबर महीने का, सैलरी जनरेटेड भी दिखाएगा, डीपीओ को सेंड भी किया गया, हेडक्वार्टर को भी सेंड किया गया है, लेकिन यहाँ पर रीजन लिख दिया जाएगा कि सैलरी जनरेटेड विथ 0 अमाउंट, यानी सैलरी आप लोगों का नहीं मिलेगा, 0 अमाउंट अक्टूबर महीने का रहने वाला है, लेकिन सितंबर महीने का निश्चित रूप से मिलेगा। सितंबर का स्टेटस आप लोग चेक कीजिएगा तो आपको यहाँ पर दिखाएगा कि आपका सारा काम होने के बाद सेंड टू हेडक्वार्टर जो है वो 14 अक्टूबर को ही भेजा जा चुका है, यानी कि आज से लगभग 2 महीने पहले जो है हेडक्वार्टर तक ये स्टेटस जा चुका है, अपडेट जा चुका है कि सितंबर महीने का मानदेय सेविकाओं को दिया जाए। बात करें कि सितंबर महीने में आप लोगों को 28 दिन का ही मानदेय मिलेगा, क्योंकि 29 तारीख से आप लोग हड़ताल में थे, तो 29 और 30 इन 2 दिनों का मानदेय नहीं मिलने वाला है, नहीं इसलिए मिलेगा क्योंकि हड़ताल यहाँ से शुरू हो गया था, तो मिनिमम 28 दिन का मानदेय निश्चित रूप से मिलेगा। तो 28 दिन का मानदेय जितना भी होता है वो लगभग आप मान के चलिए कि 5950 में से आपको लगभग 500 रुपये घट जाएंगे, 5354 रुपये के आसपास जो है आपका मानदेय इसी के आसपास बनेगा, तो ये सितंबर महीने का बहुत जल्द यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जब तक सेंड टू बैंक नहीं होता है तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ऑफिशियल प्रोसीजर तो खत्म हो चुका है लेकिन बैंक में आने का प्रोसीजर अभी सितंबर महीने का नहीं हुआ है। कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं अगर आपने अपने मानदेय का स्टेटस चेक किया है तो वहाँ क्या दिखा रहा है। बाकी बात करें कि अक्टूबर महीने का, तो अक्टूबर में पेमेंट नहीं आने वाला है और नवंबर में भी ऐसी स्थिति रहेगी अगर आप लोग नवंबर में पूरा हड़ताल पर थे। तो उम्मीद करता हूँ कि जल्द ही मानदेय, क्योंकि 2 महीना से आसपास होने वाले आ रहा है,
लेकिन मानदेय नहीं आया हुआ है। ऊपर में दो महीने के मानदेय का लॉस जो है लगभग सेविकाओं को जो है वो 6000 रुपये का ऑलरेडी जो है एक महीने का, फिर से नवंबर महीने का 6000 यानी 12000 रुपये का टोटल लॉस जो है सेविकाओं को हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आप लोग मानदेय के बारे में नहीं पूछेंगे, लेटेस्ट जानकारी मैंने आपको बता दी। तब तक के लिए धन्यवाद।